आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बिहार में सियासी तख्तापलट होने के बाद सबकी नजरें नीतीश कुमार और ललन सिंह पर बनी हुई है कि क्या ललन सिंह अपने राजनीतिक जोड़ीदार नीतीश कुमार के साथ सहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से 2023 में 29 दिसंबर को जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद खबरें आ रही थी कि ललन सिंह आरजेडी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी दोस्ती काफी गहरी बताई जाती है। ऐसे में ललन सिंह जो है यदि जेडीयू का रुख अपनाते हैं तो वाकई में कुछ विधायकों को तोड़कर ले जाने की भी कोशिश करेंगे। और ऐसे में तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों जो बयान दिया उसमें साफ तौर पर कहा कि मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं, यानी कि आने वाले वक्त में तेजस्वी यादव जो है क्या ललन सिंह के ऊपर ही दांव ठोकते नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि आने वाले वक्त में मैं यहां से अपनी सियासी भूमिका में दिखाई देने वाला हूं। और जिस तरीके से ललन सिंह ने जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद दोनों बेटों से और लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की, उसके बाद सियासी गलियारों में ये चर्चाएं तेज हो गई थी कि ललन सिंह अब आरजेडी का रुख अपनाने वाले हैं। ऐसे में आरजेडी का रुख अपनाने से न सिर्फ जेडीयू और नीतीश कुमार को नुकसान होगा बल्कि तेजस्वी यादव डायरेक्ट मुख्यमंत्री बन पाएंगे, क्योंकि अभी का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसको देखा जाए तो करीब 8 विधायकों की कमी तेजस्वी यादव के खेमे को पड़ रही है। और यहाँ से 12 फरवरी को जो फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया होनी है उसमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि नीतीश कुमार के पास बहुमत मिल पाता है या नहीं। दूसरी तरफ बात कर ली जाए कि बिहार में हम पार्टी के सुप्रीमो जीतन राम मांझी को 4 विधायकों की मौजूदगी के कारण कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया है। ऐसे में अब देखना यही होगा कि फ्लोर टेस्ट से पहले क्या जीतन राम मांझी फिसल कर आरजेडी के खेमे में आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनके द्वारा मांग की जा रही है कि 2 कैबिनेट मंत्री बनाए जाने चाहिए थे लेकिन मेरे खेमे से एक ही कैबिनेट मंत्री बना है, तो ऐसे में आने वाले वक्त में जीतन राम मांझी क्या फिर से मुख्यमंत्री का ऑफर यहां से ग्रहण करने वाले हैं या फिर जेडीयू और बीजेपी के साथ मिलकर ही अपना सियासी भविष्य आगे चलाने वाले हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज।